अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम। हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी के किसी भी गोल को अचीव करना आसान नहीं है। हमेशा वही लोग अपने गोल को अचीव करते हैं जो कोशिश करते रहते हैं, जो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वही एक ना एक दिन अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचते हैं। बाज़ लोगों का ऐसा रवैया बन जाता है कि वो किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं बड़े ही जोश व जलवे के साथ, बड़े ही जोश व खरोश के साथ, बड़े ही एम्बिशियस होकर वो काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ उनका जो मोटिवेटेड लेवल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आप ये जान लें, अगर आपको ये पता हो कि आपने किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखना है किसी भी काम करने के लिए, तो यही एक चीज़ आपको नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे प्रोडक्टिव तरीके बताऊंगा जो आपके मोटिवेटेड लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहला जो इसका मेथड है वो है जी, आस्क योरसेल्फ व्हाई। दोस्तों, हम दुनिया में बहुत से काम करते हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये पता होता है कि वो काम हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है। बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो अपने काम की वजह जानते हैं। तो जब आप कोई भी काम स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम किस मकसद के लिए शुरू कर रहे हैं, किस मकसद के लिए, किस एम के लिए, किस मंजिल के लिए आप जा रहे हैं। आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। जब आपको मंजिल का पता नहीं है, आप सफ़र करते जा रहे हैं तो हमेशा सफ़र करते ही रहेंगे, अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच सकते। तो किसी भी काम करने की आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, सॉलिड वजह होनी चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। तो यही एक चीज़ आपको हमेशा अपने काम में क्या रखेगी, मोटिवेटेड रखेगी। दूसरे नंबर पर एक्सपेक्टेशन लेवल। दोस्तों, बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि बहुत से लोग जो भी काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में ही खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि बाद में वो नाकाम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप नाकाम भी हो सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ेगा, उसमें आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आप काफ़ी सारी गलतियां करेंगे। तभी जाके एक ऐसी स्टेज आएगी, एक वक्त गुजरेगा, आप उस काम को अच्छे तरीके से सरंजाम देना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने कभी भी शुरू शुरू में आपने अपना जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उसको आपने थोड़ा सा डाउन रखना है। एक्सपेक्टेशन लेवल बिल्कुल हाई नहीं रखना, खुद से ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि बाद में वो आपको हर्ट करें। क्योंकि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर सीखते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मिस्टेक्स जो होती है हमेशा इंसान को सबक दे के जाती हैं। आप जो गलती करते हो वो हमेशा कोई ना कोई आपको सबक दे के जाती है। ठीक है जी, थर्ड नंबर पर है आपके पास स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुरू शुरू में अपने जो उनका जो टारगेट होता है वो ज़्यादा हाई होता है। हमेशा आप शुरू शुरू में अपने टारगेट, अपने गोल्स को बिल्कुल आसान रखें, अपने गोल्स आसान चुनें, छोटे छोटे गोल्स चुनें। जब आप उन छोटे छोटे गोल्स के अंदर कामयाब हो जाएंगे तो वही छोटे गोल्स आपको बड़े गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रखेंगे। जब आप शुरू में ही अपने टारगेट को बड़ा रखेंगे और आप उसमें नाकाम हो जाते हैं तो डेफिनेटली बात है कि आपका जो मोटिवेटेड लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि शुरू शुरू में आपने छोटे गोल रखने हैं, छोटी छोटी टारगेट रखनी है, उनको अचीव करना है, उनमें आपने सक्सेस लेनी है। जब आप उनमें कामयाब हो जाएंगे, जब आप उनमें एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे तो वही छोटे गोल्स, वही स्टैंडर्ड, वही आपका स्टेटस आपको बड़े गोल अचीव करने के लिए हमेशा क्या रखेगा, मोटिवेटेड रखेगा।
तो सोसाइटी में होता क्या है कि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में बड़े गोल रखना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर अनथक मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर बाद में जब नाकाम हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, बाज़ औक़ात उस काम को क्विट कर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्टार्ट आपने क्या करना है, छोटी पोजीशन से स्टार्ट करना है। जब आप छोटी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा ऐसा बढ़ते 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 आपका एक ऐसा लेवल आएगा कि आप उसी बड़े टारगेट की तरफ क्या होंगे, रवां दवा हो जाएंगे और उसी बड़े टारगेट को क्या कर लेंगे, आप अचीव कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट हमेशा छोटे गोल से लेना है, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास, अच्छा जी, नंबर 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस। दोस्तों हमेशा याद रखें कि सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन अपने काम के ऊपर कभी भी नज़र नहीं रखते। वो ये नहीं देखते कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था और मेरा एंड क्या है और अब मैं किस स्टेज पे हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा अपने काम के ऊपर क्या करना है, नज़र रखनी है, हमेशा अपने काम को रिसर्च में रखना है, अपनी जाँच पड़ताल करते रहना है कि मैं अभी किस स्टेज पर हूँ, मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया था और अब मैं किस स्टेज पे हूँ। जब आप हमेशा अपने काम के ऊपर नज़र रखेंगे तो वही पॉजिटिव आपकी जो नज़र होगी, आपकी पॉजिटिव आपका जो देखना होगा अपने काम के ऊपर, वही आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। जो लोग ये नहीं देखते कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मेरा एंड क्या है और मैंने जाना किधर है, तो वो कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कभी भी वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो आपने हमेशा क्या करना है, अपने काम के ऊपर आप क्या करना है, फोकस करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि आप अपने काम को किस तरीके से सरंजाम दे रहे हैं। उसके बाद नंबर 5, चैलेंज योरसेल्फ। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसको चैलेंज के तौर पर ले लें कि आपने वो काम हर हाल में करना है। मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्तों से कंडीशन लगाएं कि भाई 2 महीने के अंदर हमने 1 किलो वज़न अपना जो है वो लूज़ करना है। अगर जो 2 महीने के अंदर अपना 1 किलो वज़न लूज़ नहीं कर सकेगा वो तमाम दोस्तों को क्या खिलाएगा, ट्रीट खिलाएगा। तो वही जो ट्रीट है वो बतौर ट्रिगर इस्तेमाल होगी आपके लिए, वो बतौर ट्रिगर का काम करेगी आपके लिए, आपके लिए एक चैलेंज का काम करेगी। जब आप किसी काम को बतौर चैलेंज लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपने हमेशा जो भी काम करना है उसको चैलेंज के साथ करना है कि मैंने भाई इस काम को हर हाल में क्या करना है, कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से इसको मैंने क्या करना है, कंप्लीट करना है। जब आप एवरी वर्क जो भी काम होगा आपका, जब आप उसको चैलेंज के तौर पर लेंगे तो आप हमेशा कामयाब होंगे और वही चैलेंज आपको हर टाइम क्या रखेगा, मोटिवेटेड रखेगा। उसके बाद है जी, लुक फॉर फीडबैक। दोस्तों एक रेसलर जब रिंग में उतरता है या जब एक खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में उतरता है, जब वो खेलता है अपनी प्रोग्रेस दिखाता है, तो इर्द गिर्द का जो क्राउड होता है, इर्द गिर्द के क्राउड की जो फीडबैक होती है उस खिलाड़ी या उस रेसलर के अंदर क्या पैदा करती है, हौसला अफजाई पैदा करती है। तो याद रखें, आप काम वैसे करते हैं, काम करते रहें, उसके ऊपर नज़र रखते रहें और साथ साथ अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त और अपने टीचर्स, इनसे आप अपने काम किया फीडबैक ज़रूर लिया करें, पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर लिया करें। वही पॉजिटिव फीडबैक जो है वो आपको हमेशा क्या करेगा, मोटिवेटेड रखेगा। वही पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ट्रिगर के तौर पे काम करेगा, वो हमेशा आपको मोटिवेटेड रखेगा आगे से आगे काम करने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमेशा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो अपने दोस्तों से, अपने वालिदैन से और अपने टीचर से आपने हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव फीडबैक जो है वो अपने काम का लेते रहना है। उसके बाद है जी, सराउंडेड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। दोस्तों दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं, नेगेटिव पीपल और पॉजिटिव पीपल। एक वो लोग होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, एक वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। आपने कौन सी सराउंडेड रखनी है, कौन सी कंपनी रखनी है, पॉजिटिव पीपल की कंपनी रखनी है। पॉजिटिव पीपल आपके हर एक काम को सराहेंगे, आपके हर एक काम की तारीफ करेंगे,
आपको इंकरेज करेंगे अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, लेकिन नेगेटिव जो पीपल होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो आपके हर एक काम में क्या निकालेंगे जी, कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे कि आपने ये काम ठीक नहीं किया, आपने इस तरह से नहीं, इस तरह से अगर आप करते तो ये हो जाता, हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। तो इसी तरह आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपनी, अपने फेलोज़, अपनी कंपनी, अपने दोस्त हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के रखने हैं ताकि वो आपको हर तरह से क्या करते रहे, मोटिवेटेड करते रहे। उसके बाद है जी डोंट मेक एक्सक्यूजेस। दोस्तों आज के दौर में जहां हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं, मीन एक कामयाबी के रास्ते पे जाना चाहते हैं, उसके दरमियान में जो एक दीवार है उसका नाम है एक्सक्यूजेस। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि वही लोग ही एक्सक्यूजेस करेंगे, हर एक काम में एक्सक्यूजेस निकालेंगे जो कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो चाहते नहीं हैं कि वो कामयाब हों, वही हर एक काम में एक्सक्यूजेस निकालेंगे। अगर आप हर एक काम में अच्छे से अच्छा एक्सक्यूजेस ढूंढते फिरेंगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। काइंडली आपने क्या करना है, एक्सक्यूजेस से बिल्कुल अवॉइड करना है। यही एक्सक्यूजेस का अवॉइड करना आपको क्या करेगा, मोटिवेटेड रखेगा आपको।